हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, आई होप सो। और मेरा बस कीमो आने वाला है, तो मैंने सोचा उससे पहले ही वीडियो बना लूँ, ताकि फिर तो तबीयत ख़राब हो जाती है ना। तो यस, आज मैं बताने वाली हूँ मैमोग्राफी जो होती है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए स्पेशली। तो वो क्या है, कैसे होती है, उसमें क्या होता है, पेनफुल है कि नहीं है, क्या ध्यान रखना चाहिए, बातें वो सब मैं आगे वीडियो में बनाऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, थैंक यू। तो एक्चुअली मैमोग्राम जो होता है, मैमोग्राफी या मैमोग्राम जो भी बोलो, तो उसमें एक इमेजिंग तकनीक है, वो उसमें इमेज ली जाती है। जैसे एक्सरे होते हैं, एक्सरे में जो रेज डाली जाती हैं उसके थ्रू फोटो आ जाता है ना कहीं का भी, तो सेम वैसा ही है। इसमें ब्रेस्ट को प्लेट्स पे रखा जाता है और रेस आती हैं, और उस रेस के थ्रू एक इमेज कैप्चर की जाती है और उसमें देखा जाता है। तो एक नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाने वाली टेक्निक है ना मेमोग्राम। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जाने से पहले, तो पहली बात की कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए जब जाएं। दूसरी बात, कोई डिओड्रेंट, परफ्यूम या कुछ भी क्रीम कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने लगाया है तो वहाँ पे जाके आप बता दें, ताकि वो स्वाइप कुछ भी टिश्यू कुछ दे देंगे जिससे आप उसको साफ कर पाएँ, तो वो चीज़ आप बता दें, है ना। और तो कुछ ध्यान ऐसा नहीं है, नॉर्मल ये दो चीज़ें हैं। और वहाँ पे किसको जाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, मतलब कौन कराएगा ये मेमोग्राम? तो पहली बात है, अगर आपको आपके ब्रेस्ट में कहीं गांठ फील होती है, या आपके ब्रेस्ट का साइज, कलर, ये सब चेंज होता है, या कुछ डिस्चार्ज होता है, आपको डाउट है, तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तो फिर वो होता है मेमोग्राम। सेकेंड थिंग, अगर आपकी 40 से अबव वाले हैं एज ग्रुप, तो बूढ़े होते हैं तो हम लोगों को ये सब चेकअप करवाने चाहिए। तो यस, जो 40 से ऊपर वाले हैं उन लोगों को ये चीज़ करवानी चाहिए, है ना। तो थर्ड चीज़ है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो इसका प्रोसेस है, साइड में आप देख भी सकते हैं कि आपको सबसे पहले आप जाएंगे तो एक गाउन दिया जाता है। गवर्नमेंट जो टाटा में था उसमें नहीं मिलता था, बट प्राइवेट आप कहीं भी जाएंगे तो एक गाउन दिया जाएगा। तो वो गाउन के बाद आप जाते हैं वहाँ पे, आपको अटेंड करने के लिए होते हैं नर्स वगैरह, डॉक्टर। तो वो आपका अपर पार्ट को आपको रिमूव करना पड़ता है कपड़े, ताकि ब्रेस्ट का ही इमेज लेना है तो ऑब्वियसली रिमूव करना पड़ेगा। तो अपर पार्ट अपना जो भी कपड़े हैं वो हटाने पड़ेंगे। उसके बाद जो वहाँ पे दो प्लेट होती हैं कांच की, उसके बीच में आपके ब्रेस्ट को रखा जाता है, वो जो भी होंगे अटेंडर वो रखेंगे, और फुली प्रेस किया जाता है। तो वो दोनों जो प्लेट के बीच में रख के फुली प्रेस करते हैं, जिससे कि रेस उसमें पड़े और इमेज आ जाए। और जो वो मशीन होती है मूवेबल होती है साइड बाय साइड, तो एक बार हॉरिजॉन्टली लेते हैं, एक बार साइड से लेते हैं, एक बार दूसरी साइड से लेते हैं, ऐसे वो लोग अपनी तरफ से सभी तरफ से आपके ब्रेस्ट का इमेज ले लेंगे कि कहीं पे भी गांठ तो नहीं है, या कुछ भी कैंसर का सिम्टम होगा तो आप बताएंगे तो उनको लगेगा कुछ भी डाउटफुल आया, कुछ भी होगा तो डाउटफुल होगा तो वो इमेज में आ जाएगा, तो उससे पता चल जाता है। और इसका खर्चा गवर्नमेंट में तो कुछ भी नहीं होता था, अच्छा प्राइवेट में 1000-1500 ऐसे तक होता है ना। तो हालांकि प्राइवेट में मैंने कराया नहीं था, जब गवर्नमेंट में थी तो मेरा हर बार होता था मेमोग्राम, तब स्टेज इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मेमोग्राफी करते थे। और इसमें बताने लायक, हाँ दूसरी चीज़, अब जब वहाँ जाएं तो आप अपनी हिस्ट्री बता दें कि किसी को था क्या घर में कि नहीं था, आप अभी प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, आप अभी फीड तो नहीं करवा रहे हैं, तो जो भी डिटेल है और आपको क्या क्या फील होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाने पे तुरंत बता दें, है ना, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, लोग बाग पूछते हैं कि ये पेनफुल तो नहीं है, तो इसका सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सेकेंड थिंग, अनकंफर्टेबल तो लगेगा, उतना पेनफुल नहीं है, बट अनकंफर्टेबल तो कोई भी चीज़ आपको प्रेस करेंगे लास्ट तक, तो फिर वो तो थोड़ा सा लगता ही है, अनकंफर्टेबल लगता है। बट अगर उसमें कोई गांठ बहुत बड़ी हो गई है, या आपकी कभी सर्जरी स्टिचेस हैं तुरंत तुरंत वाली, और प्रेस होगा तो पेन होगा,
थोड़ा तो पेन होगा कि क्योंकि गांठ भी वो दबेगी तो थोड़ा सा हो सकता है ना, तो बट इतना नहीं होता कि डरने की कोई बात है, थोड़ा बहुत ही होता है और अनकंफर्टेबल लगता है। तो बाकी और कोई भी चीज़ हो उससे रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने वीडियो एक पहले भी इसके बारे में बनाया हुआ था। तो बस इसमें इतना ही है कि ब्रेस्ट कैंसर वालों के लिए होता है और ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। थैंक यू।